वो इमरान खान था जिसने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मीडिया को ललकारा था, हिंदुस्तान में बैठकर मोदी को नंगा किया था। हिंदुस्तानी मकर मीडिया जिस तरह हमारी वजीरे हारजा का मजाक उड़ा रही है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर तुम लोग एक मेहमान को इज्जत नहीं दे सकते तो तुम लोगों को मेहमान को जलील करने का कोई हक नहीं है। पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है। इस बंदे को आना नहीं चाहिए था, ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में बिलावल पर, दूर से कैसे नमस्ते किया गया बिलावल को वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। बिलावल आए, मिले, लेकिन मिला नहीं, कोई हाथ नहीं मिलाया बिलावल से। भारत ने साफ आंखें दिखाई हैं। तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए कि तुम लायक हो। तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। बिलावल को भी हाथ जोड़ने पड़ गए, कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिए भारत ने, जयशंकर ने। बिल्लो देख, तू तो फंस गई। बिल्लो इज गॉन, राइट? और बिल्लो पूरा जलील होके गया, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है? बिलावल आए, विदेश मंत्री खड़े थे, बिलावल का हाथ आप देख रहे हैं। जैसे ही एंट्री मारी, बिलावल ने चाहा कि हाथ आगे बढ़कर बढ़ा लूं। जयशंकर ने देखा भी नहीं उनकी तरफ। और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया। पूरा मुल्क जलील हुआ इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती। इस बंदे को आना नहीं चाहिए था, ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में। बिलावल को भी हाथ जोड़ने पड़ गए, कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिए भारत ने, जयशंकर ने। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पटा, ये हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कितना जलील हुआ है बिलावल। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर तो यहाँ पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ गया, वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारा वजीर हारजा जो भी था जैसा भी था, लेकिन वो हिंदुस्तान में मेहमान था। हम हिंदुस्तान के मेहमानों की कितने कदर करते हैं। अभिनंदन जो पाकिस्तान पर हमला करने आया था, हमने उसको भी चाय पिलाई थी, लेकिन तुम लोगों ने हमारे मिनिस्टर का भी इज्जत नहीं किया। दूसरी तरफ मीडिया पर उसका मजाक उड़ाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया बन गया। इसका मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का ना कोई अपना इज्जत है, ना वो दूसरों की इज्जत को जानती है। दूसरी तरफ नालायक बिलावल, उसको क्या जरूरत था हिंदुस्तान जाने का, जबकि इमरान खान मोदी सरकार से बॉयकॉट कर चुका है। उसके जुल्मों की वजह से, उसके तकब्बुर की वजह से, क्या पाकिस्तान के काबीना में कोई मर्द नहीं था जो तुमने बिलावल को उधर भेजा? वो इमरान खान था जिसने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मीडिया को ललकारा था, हिंदुस्तान में बैठकर मोदी को नंगा किया था। वो मुशर्रफ था जिसने हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान को धमकी दी थी। अब ये नमूने मुसल्लत है हम पर, जो बाहर अपने मुल्क का प्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अपने रब पर यकीन है, मेरा कप्तान आएगा और इस डूबी हुई पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएगा। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत।